तो देखिए, महंगाई लगातार बढ़ रही है, सरकार के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती हैं क्योंकि विपक्ष इसको लेकर निशाना साध रहा है। पेट्रोल डीजल के रेट से पहले भी महंगाई की मार थी और अब तो तेल का जो खेल है वो घर के बजट को बिल्कुल बिगाड़ कर रख रहा है। पिछले महीनों में लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं लेकिन खर्चे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी में कैसे फर्क पड़ा है, जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही इस बढ़ोतरी का असर बाकी चीजों पर भी पड़ने लगा है। ये महंगाई एक एक आदमी पर कितना बोझ डाल रही है, ये समझने के लिए हमने दिल्ली में रहने वाली किरण पाठक से बात की। किरण एक कामकाजी महिला हैं। वो बच्चों को होम ट्यूशन देकर अपना खर्च निकालती हैं। ट्यूशन पढ़ाने के लिए अब तक वो अपनी स्कूटी से ही आती जाती रही, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस तेजी से पेट्रोल महंगा हुआ उसके कारण अब उन्होंने अपने खर्च में कटौती शुरू कर दी है। पहले मैं अपनी गाड़ी लेकर जाती थी होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए, स्कूटी पे जाती थी। अब पेट्रोल इतने ज्यादा रेट हो गए हैं तो मुझे पैदल भी कभी जाना पड़ता है या मेट्रो से जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल है मैनेज करना। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, ना आटा बढ़ गया, सब चीजें की महंगाई हो गई। बहुत मुश्किल है मैनेज करना आज के टाइम में। खर्चा तो बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। बाहर के काम के साथ साथ किरण पर अपने किचन की भी जिम्मेदारी है। सब्जियां और खाने का तेल पहले ही महंगा हो चुका था, पिछले हफ्ते रसोई गैस के दाम बढ़ गए। किरण का कहना है इन सारी चीजों के कारण अब उनके लिए अपनी कमाई में से बचत कर पाना बहुत मुश्किल हो चला है। सैलरी से अपनी सेविंग्स कितनी कर पाती थी अब आप, और अब क्या हाल है? 40% तो सेविंग हो ही जाती थी, बट अब तो ये है कि 40% के तो इवन जो जुड़ा हुआ है वो भी खर्च हो रहा है, उसमें से ही जा रहा है, बचता कुछ नहीं है, बिल्कुल बचत नहीं है। सोचिए कि जो एक वर्किंग लेडी है, साथ ही साथ हाउसवाइफ भी है, अपना घर भी मैनेज करती है, जो पहले अपनी सैलरी से 40% तक सेविंग कर लेती थी, आज उनके लिए सेविंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि उनको अपना किचन भी संभालना है, साथ ही साथ अगर बाहर निकलती है तो बाकी खर्चे भी मैनेज करना है। ऐसे में घर चलाना एक औरत के लिए, गृहिणी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कभी ना पड़ी ऐसे नहीं हुआ है, अचानक नहीं पड़ी है। जो परिवेश है, जो सब कुछ हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, देश भर में हो रहा है, उसको लेकर मुझे लगता है फिर भी अफोर्डेबल है। इतना ज़्यादा जो जिस तरीके से हाउ कर रहे हैं उतना तो नहीं है। दिक्कत तो होती है, सबको होती है, मात्र महिलाओं को नहीं होती है, लेकिन महंगाई हर 6 वर्ष में बढ़ती है, ये स्टैटिस्टिक भी मानी हो। हर 6 साल में चीज़ें डबल होती हैं, चाहे किसी की आय है, चाहे किसी का खर्चा है, चाहे महंगाई है। आज से नहीं है ये, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ हर 6 साल में चीज़ें डबल होती हैं। और वहीं मैं दावा करता हूँ कि पेट्रोलियम के पदार्थ पीछे 6 साल में डबल नहीं हुए हैं। तो एक देश की सांसद हैं और दूसरे एक राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों का ही मानना है कि महंगाई तो हर 6 साल में बढ़ती ही है, उस पर इतना हंगामा क्यों? पर सवाल है, क्या जितनी महंगाई बढ़ती है उतनी कमाई बढ़ पाती है? अगर ईंधन की बात करें तो सिर्फ एक साल में 10% से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। LPG सिलेंडर एक साल में 130 रूपए यानी करीब 16% महंगा हो चुका है। PNG 28.41 रूपए से बढ़कर 36.61 रूपए पर पहुंच गई है, 29% की बढ़त। और CNG एक साल में 38% महंगी हो गई। यही नहीं, सब्जियां और खाने पीने के दूसरे सामान भी पिछले एक साल में काफी महंगे हो चुके हैं। जैसे मसूर दाल एक साल पहले करीब 81 रूपए किलो थी, अभी 96 रूपए हो चुकी है। सोया तेल 133 रूपए से बढ़कर 161 रूपए पर पहुंच गया है। सरसों तेल 148 से 188 और टमाटर 17 रूपए किलो से 22 रूपए किलो हो चुका है। 2 साल पहले तेल यार जो था लगभग 1100 रुपये था, आज की कंडीशन में वो 2600 रुपये हो गया है। भाव वृद्धि देखिए दुगना से ज़्यादा हो गया है। दाल जो 80 से 85 रुपये किलो थी वो 105 से 110 रुपये किलो हो गई। दूध जो 35 से 40 रुपये लीटर था, आज की कंडीशन में 55 रुपये लीटर हो गया है। इस महंगाई का असर ये है कि एक आम परिवार के लिए पिछले एक साल में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर किचन चलाना अच्छा खासा महंगा हो चुका है। 4 लोगों के परिवार के लिए जहां साल भर पहले किचन और ईंधन का मासिक खर्च
12,756 रुपए होता था वो अब बढ़कर 13,729 रुपए हो चुका है, यानी लगभग 1,000 रुपए ज्यादा। पिछले एक साल में खर्च में 7% की ये बढ़ोतरी इसलिए मायने रखती है क्योंकि इस दौरान कोरोना के कारण लोगों की कमाई बढ़ने की बजाय कम हुई है। इसके बाद भी सरकार अगर महंगाई को मुद्दा नहीं मानती और इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आने वाले दिन और मुश्किल भरे होने वाले हैं। तो महंगाई आपका बजट बिगाड़ रही है और सभी के लिए बड़ी समस्या बन गई है। ABP News आपको रखे आगे।